तुमको मालूम है ये पैसा क्या होता है? एक एक पैसा जमा करो तो एक रुपया बनता है, एक एक रुपया जमा करो तो 100 रुपया बनता है, 100 रुपया जमा करो तो 1000 बनता है, 1000 जमा करो तो लाख और लाख से करोड़ बनता है। ये एक पैसा करोड़ रुपए का बीज है। जो आदमी बीज की परवाह नहीं करेगा न वो फसल उगा सकता है न फल पा सकता है। घर घर और हर घर चलने वाला बिजनेस। नमस्कार फैम, मैं मोनिका त्रिपाठी, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए महादेवा इंडस्ट्री में, जहाँ की मशीनों का हब है। तो आज हम कौन सी मशीन के बारे में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं साबुन मैकिंग मशीन, जिसको कि हम डिटर्जेंट केक मैकिंग मशीन भी बोल सकते हैं, साबुन बनाने की मशीन हम बोल सकते हैं उसको। तो आज हम बात करने वाले हैं कपड़ा साफ करने से लेके नहाने तक का, और नहाने से लेके बर्तन साफ करने तक का। अगर आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का साबुन अगर आपको बनाना है तो ये है आपका कपड़ा साफ करने का साबुन। अगर आपको इस तरीके का साबुन बनाना है तो ये है आपका बर्तन साफ करने का साबुन। तो इस साबुन से आपको बर्तन साफ होता है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके का ये साबुन होता है। दूसरा साबुन ये होता है आपका कपड़ा साफ करने का। आप इस तरीके का साबुन बना सकते हैं, पैकेट में पैक करके भी मार्केट में दे सकते हैं। तो इस तरीके का साबुन आप बना सकते हैं। उसके बाद आपका ये हो गया आपका लक्स साबुन। आप इसी तरीके से इस तरीके का भी साबुन आप बना सकते हैं खुले रेट में देने के लिए। आप इस तरीके का कलरफुल बना सकते हैं, इस तरीके का बना सकते हैं। आपका जैसे लाइफबॉय हो गया, डब हो गया, हर तरीके का साबुन जैसा आपको बनाना है उस तरीके का साबुन आप बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो साबुन बनाने की जो मशीन है वो कौन कौन सी मशीनें होती है और कितनी मशीनें ये साबुन बनाने में यूज होते हैं, मतलब लगते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 4 से 5 मशीनें होती हैं। सबसे पहला जो मशीन होता है फ्रेंड्स वो होता है सिग्मा मिक्सर मशीन, जिसमें कि मटेरियल को मिक्स करने का काम करता है। और मिक्स करने के बाद हमारी जो दूसरी जो मशीनें होती हैं वो होता है आपका प्लॉडर मशीन, जिसमें कि साबुन का जो शेप होता है, जैसे इस तरीके का जो साबुन आप देख पा रहे हैं इस तरीके का आपको शेप देने का काम करता है, वो होता है आपको जो शेप देने का काम करता है वो होता है प्लॉडर मशीन, जिसमें कि हर तरीके का शेप आप दे सकते हैं। तीसरी जो मशीनें होती हैं वो होता है कटर मशीन, जिसमें कि साइज वाइज साबुन को कटिंग करते हैं, क्योंकि बिना कटिंग किए हम साबुन बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी आपका आपका 35 ग्राम का साबुन आता है, 50 ग्राम का साबुन आता है, 100 ग्राम का साबुन आता है, 200 ग्राम का, मतलब जैसा साबुन बनाते हैं वैसा मार्केट में हमारा जाता है, उस तरीके से सेल होता है और उस तरीके से हमें उससे प्रॉफिट भी मिलने वाला है। उसके बाद जो मशीनें आती हैं वो आती हैं पैकिंग मशीन। अगर हम पैकिंग मशीन की बात करें तो पैकिंग मशीन में सेमी ऑटोमेटिक भी आ सकती है और ऑटोमेटिक भी आ सकती है। तो आप सेमी ऑटोमेटिक भी मशीन ले सकते हैं और ऑटोमेटिक भी मशीन लेकर के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम बात करें कि अब नहाने का साबुन, तो नहाने के साबुन में फ्रेंड्स दो प्रोडक्ट, मतलब दो मशीनें और ऐड होती हैं आपका। उसके बाद जो ऐड होता है वो होता है रूलिंग मशीन, जिसको कि जो साबुन का जो टुकड़ा होता है ना उसको रूल करता है, लेयर बनाता है, तो वो एक रूलिंग मशीन आ जाती है। उसके बाद आपका आता है जो लास्ट जो होता है, जो आपको डब का, लक्स का या लाइफबॉय का जो आप शेप देखते हैं वो शेप देने के लिए एक मशीन आती है, वो होता है लास्ट। उसके बाद आपको ये सारी मशीनें अगर आप लेते हैं तो आप इस मशीन में कपड़ा साफ करने का, बर्तन साफ करने का और नहाने का, ये सारी मशीनों को मिला करके ये सारा प्रोडक्ट आप एक में बना सकते हैं। अगर हम बात करें मटेरियल का कि इसमें जो मटेरियल है वो कौन कौन सा यूज होता है, तो नहाने के साबुन में अलग मटेरियल यूज होता है, कपड़ा साफ करने के साबुन में अलग मटेरियल यूज होता है, बर्तन साफ करने के साबुन में अलग मटेरियल यूज होता है। और ये सारे मटेरियल क्या है, आपको रॉ मटेरियल भी आपको हमारी कंपनी से मिलने वाले हैं। अगर आपको चाहे डब साबुन बनाना हो, लाइफबॉय बनाना हो, घड़ी बनाना हो, जैसा साबुन, बर्तन साफ करने का साबुन बनाना हो
और आपको नहाने का साबुन हो गया, कपड़ा साफ करने का, बर्तन साफ, मतलब हर तरीके का आप बना। अगर हम बात करें कि एक साबुन का कॉस्ट की कितना आता है, तो मात्र फ्रेंड्स एक साबुन बनाने का आपको 1.5 से 2 रुपए का कॉस्टिंग आपको आने वाला है। अगर हम 1 kg मटेरियल की बात करें तो 1 kg मटेरियल हमारा मात्र 18 से 20 रुपए में हमारा वो मटेरियल जो है वो आ जाता है। अगर हम बनाने की बात करें तो एक साबुन पे हमें जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कम से कम 2 से 3 रुपए का मिलने वाला है। और अब हम डिपेंड करते हैं कि जैसे बहुत लोगों का ये आपका डिमांड होता है कि 1 kg में आपका कितने साबुन बन जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये होता है आपका साइज वाइज कि जिस साइज का आप बनाना चाहते हैं उस साइज का। जैसे अगर आप 35 ग्राम का बनाते हैं तो ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, 50 ग्राम का बनाते हैं तो कम पीसेस बनते हैं। तो जैसा आप साबुन बनाएंगे उस तरीके से आपका वो बनके तैयार होने वाला है। अगर आपको अपना ब्रांड देना है, जिस तरीके से डब का ब्रांड है, घड़ी का ब्रांड है, लाइफ बॉय का आपका ब्रांड है, आपको जो आप साबुन का ब्रांड देखते हैं, जो आपको बर्तन साफ करने वाला जो साबुन है वो जो आपका ब्रांड है, उस तरीके का आप खुद का भी ब्रांड दे सकते हैं। खुद का ब्रांड दे करके साबुन बना के आप मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा इस मशीन से इनकम कमा सकते हैं। अगर हम पर डे की बात करें फ्रेंड्स, तो पर डे आप कम से कम 10 से 12 हजार का आपका प्रॉफिट होने वाला है। पैसा ही पैसा होगा। और ये मशीन एक लघु उद्योग में आती है जो कि इसका बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। आप एक छोटे से कमरे में लगा सकते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर, वो हर जगह यूज होने वाला है। ये एक ऐसा आपको प्रोडक्ट होने वाला। अगर हम मशीन की सप्लाई की बात करें तो हमारे मशीन की सप्लाई टोटल ऑल ओवर इंडिया में होती है। आप कहीं से भी हो घर बैठे मशीन को मंगा सकते हैं। मात्र आपको 30% अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है। 30% अमाउंट आप जमा करके मशीन को मंगा सकते हो। 70% जो अमाउंट है वो जब मशीन आपके यहाँ पहुंच जाती है तो आपको उसका जो चार्ज है वो आपको देना पड़ता है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स बताना चाहेंगे कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉफिट होने आपको इतना होने वाला है। मशीन आपको हर जगह मिलने वाली है, चाहे आप कॉल के जरिए, चाहे आप व्हाट्सएप के जरिए, हर तरीके से आपको मशीन के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी और समझाई जाएगी। अगर हम बात करें मशीन की प्राइस की, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मैम प्राइस इसका बताइए, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि मशीन की जो प्राइस है वो है आपका 2,95,000 से मशीन की स्टार्टिंग प्राइस है, जिसमें कि ये छोटी मशीनें नहीं आती फ्रेंड्स, इसकी बड़ी मशीनें ही आती हैं। तो अगर आपको छोटी मशीनें अगर लेनी है तो आप डिटर्जेंट पाउडर की भी मशीन ले सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर की भी मशीनें आप ले करके अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। हमारे यहाँ एक मशीन नहीं, हजारों मशीन आपको देखने और समझने को मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दिए हुए नंबर पे जरूर से जरूर कॉल करें, क्योंकि कॉल के जरिए आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। मशीन अगर लेना है तो फटाफट आप बुकिंग भी करा सकते हैं। अब हम एक नए मशीन नए वीडियो के साथ आएंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।